अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे, अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे। गाइज, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक तरफ शादियाँ चल रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो कोरोना चल रहा है। कोरोना भी बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। उससे जो बहुत ज़्यादा परहेज़ करते हैं वो लोग नहीं बच पा रहे, बहुत ज़्यादा हो गया है। और दूसरी तरफ जो है वो शादियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि ये मौसम जो होता है, दिसंबर का मौसम जो होता है, इस मंथ में ज़्यादातर शादियाँ होती हैं। तो शादियों के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बड़ी बरी को किस तरह से टांगते हैं, उसके जो स्टाइल वगैरह होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कौन से इस्लाम में हैं या ज़रूरी हैं, लेकिन हमारे जो रिवाज होते हैं और स्पेशली जो गांव के लोग होते हैं, उन लोगों ने इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी समझा हुआ है कि अगर इनको ना करेंगे तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। क्योंकि ख़ानदान वाले जो होते हैं वो फिर बातें करते हैं कि इन्होंने इस तरह से नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जो हमारे रिवाज होते हैं, रस्म और रिवाज, उनको जो है वो पूरा करना लाजमी हो जाता है। तो बरी भी इसी तरह से एक रिवाज ही है। इसको भी अच्छी तरह से कपड़े जो होते हैं इनको पहले स्टिच करो, स्टिच करने के बाद इनको अच्छी तरह से टांगने पड़ते हैं, अच्छी तरह इनके स्टाइल वगैरह बनाओ। तो काफ़ी ये लंबा प्रोसीजर हो जाता है, बड़ा मुश्किल सा काम है। मैंने तो खैर कभी आज तक नहीं ये काम किया, तो ये मेरी सिस्टर बहुत अच्छा कर लेती हैं। उसकी नंद के बेटे की शादी है तो वो आई हुई थी, पहले तो साथ शॉपिंग करने गई, खरीदो फरोख्त की, और उसके बाद फिर बरी जो है पहले बेटे की थी वो भी इसी ने करवाई थी दूसरे की। अब दूसरे बेटे की शादी है तो वो लेके आई थी। ये लोग टांग रहे थे तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। इतना मुश्किल काम है, इतना टाइम लगता है इस पर। दिखने में ये बहुत इजी है लेकिन है बड़ा मुश्किल। और मुझे तो वैसे भी ये काम बिल्कुल नहीं पसंद। मेरी जब शादी हुई थी तो बाद में जो शादी के जोड़े होते हैं, इतनी पिंस लगी हुई होती हैं, उनको उतारना इतना मुश्किल हो जाता है। हर जगह पिंस ही होती थी, हर जगह। तो अगर पिंस ना उतारो तो ये भी इसका है नुकसान, अगर पिंस ना उतारो तो वो उनके ऊपर जो होते हैं जंग सा लग जाता है, कोई साल दो साल गुजर जाए तो वो कपड़ा ख़राब हो जाता है उन पिंस की वजह से, तो उनको उतारना भी ज़रूरी हो जाता है। खैर, इस मौसम में रहते हुए हमें भी इन सारी चीज़ों को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो बरी जो है वो टांग की जा रही है अभी फ़िलहाल, ये थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी। इसके बाद जो है इन सारे कपड़ों की, जो सारे ड्रेसेस हैं, उन लोगों ने अपनी चॉइस के मुताबिक लिए, हर कोई अपनी चॉइस के मुताबिक लेता है। तो इनके जो है फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी चीज़ें हमारे घर में पड़ी हुई थी, तो वो सारी चीज़ें जो थी उसमें मैंने वीडियो में ऐड की हैं, वो तो वो आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से इनको टांका गया है और क्या क्या इनको किया है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आगे बहुत ही ज़बरदस्त से स्टाइल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। वैसे हम लोग मुसलमान हैं लेकिन बस आजकल तो नाम के ही रह गए हैं। इस्लाम में तो ये चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, जहेज़, इतना सारा जहेज़ दो और ये सारी चीज़ें, शो शाक कुछ भी नहीं है इस्लाम में, लेकिन हम लोगों ने इसको लागू कर लिया है, अपने ऊपर जो है लाजम कर लिया है कि जहेज़ इतना सारा देना है और ये सारा कुछ शो करना है, रिश्तेदारों को दिखाना है। उसके बाद ये टांकने, बरी टांकने का मकसद यही होता है कि रिलेटिव्स ने देखना होता है। तो अगर ना देखना हो तो हम लोग तो ऐसे ही बैग को पैक करके ले जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है सब लोगों ने खुद ही निकाला हुआ है, सारे रस्म रिवाज जो हैं फजूल से हैं। खैर, इनमें ना किसी का भला है और ना ही किसी का नुकसान है, बस वक्त का ज़िया ही है। तो ये आप लोगों ने जो देखी जर्सी देख ली, चादर देख ली, ये कुछ जो अनस्टिच ड्रेसेस थे उनको अभी टांका गया है, उनको थोड़ा सिंपल करके इस तरह से उनके डिज़ाइन वगैरह बना लिए। खैर, मुझे तो कोई डिज़ाइन ना बनाना आता है, तब मुश्किल और ये काम मुझे तो फजूल ही लगता है। अच्छा, कपड़ा हम लोग जिस तरह का मर्ज़ी ले लें, लेकिन उसमें जान तब आती है उसको स्टाइल करने से। जैसे हम लोग अगर कोई ड्रेस पहनते हैं तो उसको अच्छे से उसको वेयर करें, अच्छे से उसको कैरी करें, तो उस वो जो है ड्रेस अच्छा लगने लग जाता है। और एक वही ड्रेस होता है जिसको अच्छे से कैरी ना किया जाए तो वही ड्रेस जो है हमारा बेकार सा लगता है। तो इसी तरह से ये जो बरी के ड्रेसेस हैं, इनको अगर अच्छी तरह से इनको सबसे पहले तो इनको प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद अच्छी तरह से उसके बाद फिर इनको टांगते हैं।
क्योंकि प्रेस करने से कपड़े में काफ़ी जान आ जाती है, और इस तरह से जब ये टांग लेते हैं तो कपड़े और ज़्यादा प्यारे लगने लग जाते हैं। चलिए जी, देखिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारे ड्रेसेस आपको दिखाए जा रहे हैं। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना कि सबसे अच्छा ड्रेस आपको कौन सा लगा। अच्छा जी, ये तो थी बरी की वीडियो। ये जो सारी चीज़ें थी ये उन लोगों ने बरी में लगानी है। तो एक एक दो जूते और हैं, बंद जूते जो हैं वो उनके घर पे ही हैं, बाकी सारी चीज़ें यही हैं। तो हर कोई अपनी गुंजाइश के मुताबिक करता है, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा किया, थोड़ा किया है लेकिन बहुत अच्छा किया है। तो बेहतर यही होता है कि इंसान थोड़ा कर ले लेकिन अच्छा कर ले। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो के बारे में कि वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।